नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ यहाँ पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। लेकिन आज कमोडिटी बाजार का अपडेट जानने से पहले आपको बता दूं कि कोरोना के जो केसेस हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तीसरी लहर की पूरी आशंका है जो अब देखने को भी मिल रही है। लगातार कोरोना के जो केसेस हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। कई राज्यों में बैठकें भी होने लगी हैं कि कोरोना को लेकर कि आगे कोरोना की स्थिति कैसी रह सकती है, पहले से ज़्यादा खतरनाक रहेगी तीसरी लहर या कम, इसी की आशंका के बीच जब लॉकडाउन वाली स्थिति लगती है तो कारोबारियों का डर लगता है कि कहीं उनका कारोबार ठप ना हो जाए, और हम ऐसा अक्सर होता हुआ देखते भी हैं। तो आपका कारोबार उठाने और बढ़ाने के लिए आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप। माई बिग ब्लिस ऐप आपकी सेल को सिर्फ बचाएगी नहीं बल्कि लॉकडाउन के दौरान बढ़ाएगी भी। अगर आप एक कारोबारी हैं तो लॉकडाउन में घर बैठे बैठे अपनी दुकान माई बिग ब्लिस ऐप के जरिए चला सकते हैं, वो भी बिना एक रुपया खर्च करे। इसके लिए करना आपको छोटा सा ये काम होगा। सबसे पहले आपको अपना फ़ोन उठाना है, प्ले स्टोर पर जाकर माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इस पर अपनी दुकान रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। दुकान रजिस्ट्रेशन का कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल मुफ्त में रजिस्टर की जाएगी दुकान। जैसे ही आपकी दुकान रजिस्टर हो जाएगी आपके पास ऑर्डर्स आने लगेंगे और आपकी सेल में बढ़ोतरी होने लगी। तुरंत डाउनलोड करें माई बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। इसी के साथ चर्चा कर लेते हैं आज की कमोडिटी बाज़ार के अपडेट की। सबसे पहले बात करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सोने और चांदी से। तो हम देख रहे हैं कि सोना आज इंटरनेशनल मार्केट में $1,805 पर है और सिल्वर $22.05 पर ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। दोनों में ही कल के मुकाबले तेज़ी बनती नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर पहले के मुकाबले आज तेज़ी के साथ ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। और गोल्ड सिल्वर पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रूपा मेहता जी, उनसे बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर के ऊपर। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर कर के मुकाबले आज कुछ बढ़त के साथ कारोबार करते नज़र आ रहे हैं। गोल्ड एक बार फिर से $1,805 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, $1,800 के ऊपर निकल रहा है। वहीं चांदी में भी आधी फीसदी की बढ़त देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, सोने में एक दिन गिरावट एक दिन बढ़ोतरी, ये ट्रेंड कब तक देखने को मिलता रहेगा? देखिए, सोने के अंदर अभी ट्रेंड पॉजिटिव ही है। गिरावट ऊपरी स्तरों से जरूर बनी थी, लेकिन आप देखिए विदेशी बाजारों में एक बार फिर से बाजार $1,800 के ऊपर निकल चुका है। इंट्राडे में अगर आप प्रॉफिट कमाने की बात करेंगे तो थोड़ा शायद मुश्किल होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गोल्ड अभी भी बुलिश है। जो रेंज है वो रेंज बनी हुई है। डोमेस्टिक मार्केट में जो गिरावट देखने को मिली है, दरअसल डॉलर की वजह से इम्पैक्ट आया था और प्राइसेस डाउनसाइड में जाते हुए दिखाई दिए थे। अभी भी वही रेंज है और मार्केट में अभी भी हम एक्सपेक्ट करें कि 1820 के ऊपर अगर निकलता है सोना तो एक लंबी तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन का इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उसका असर पॉजिटिव आ सकता है और निवेशक एक बार फिर से सोने चांदी में पैसा लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और आज भी हमने देखा है कि भारतीय बाजारों में भी सोने में एक अपसाइड मोमेंटम बना है और ये अभी फिलहाल कंटिन्यूशन में रह सकता है। और मुझे लगता है कि अभी यहाँ से $1,820 विदेशी बाजारों में एक बार फिर से छूटा हुआ नजर आ सकता है और वहीं अगर घरेलू बाजारों की बात करें तो 47,800 तक ऊपर एक बार जा सकता है। जी, ये सर जी, बात करें अगर कच्चे तेल की तो कच्चे तेल में भी देख रहे हैं कि बढ़त देखने को मिल रही है। कच्चे तेल हरे निशान पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, खबरें निकल के सामने आई है कि यूएस की में जो नेट पोजिशन है लॉन्ग की क्रूड में वो कट ऑफ की गई है, वो निवेशकों ने थोड़ा पैसा पीछे खींचा है कच्चे तेल के बाजार में, क्योंकि उनको डर है कि कहीं आगे जाके लॉकडाउन वाली स्थिति ना लग जाए और कच्चे तेल की जो डिमांड है वो कम ना होती नजर आए। लेकिन देख रहे हैं कि उसका असर आज ब्रेंट और WTI की कीमतों पर देखने को नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या अभी कच्चे तेल में गिरावट बनती नजर आ सकती है तेजी के बाद? देखिए, फिलहाल फंडामेंटल तो अभी सपोर्टिव है। देखिए, जो गिरावट का रीजन बनता हुआ दिखाई दे सकता है वो सिर्फ एक यही है कि ओमिक्रॉन के केसेस अगर बढ़ते हैं तो उसका असर आ सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि यूके और यूएस सहित कई देशों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया गया है और चीन में भी केसेस जो है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स के अंदर ये टेंशन है कि कहीं ना कहीं डिमांड इफेक्ट हो सकती है और साथ ही यूएस में क्रूड की इन्वेंट्री बढ़ती हुई भी हमने पहले देखी थी, उस वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर आया था। बट अदरवाइज देखा जाए तो बाजार अभी भी स्टेबल है ऊपरी स्तरों पर और अभी प्राइसेस जो है अपसाइड में ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, अभी देखा जाए तो कजाकिस्तान में भी संकट देखने को मिल रहा है, रूस यूक्रेन में भी इसकी सप्लाई को लेकर भी थोड़ा सा तंगी देखने को मिल रही है, लीबिया में भी सप्लाई हैम्पर होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ सप्लाई तो कम है ही है और डिमांड जिस हिसाब से देखने को मिल रही है और अगर ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते हैं
तो थोड़ा सा प्राइजेस जो है ईज ऑफ होते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो वही रेंज अभी भी है 5600 से लेकर 5900 इनफैक्ट 6000 तक ऊपर में अपसाइड कैप लगती हुई दिखाई दे सकती है। और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 80 से $82 एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी भी मुझे लगता है कि क्रूड बाइंग में ही है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी बाय करके चला जा सकता है। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में तेजी की ओर है, $4.3 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। और MCX पर भी बेस मेटल्स हों चाहे जैसे जिंक, निकल, लेड, तीनों ही ठीक ठाक खुलते नजर आए हैं। आपको क्या लगता है कॉपर में आज कैसा रुझान रहने वाला है? देखिए कॉपर भी अभी साइडवेज मोमेंटम में ही है, लगातार हम देख रहे हैं कि उसी रेंज में घुसा हुआ है, 720 से लेकर 740 के बीच में हमें फिलहाल ये देखने को मिल रहा है। कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक दिन प्रेशर रहता है तो नेक्स्ट डे रिकवरी आ जाती है, सेम वही अभी भी ट्रेंड फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इंटरडे में 742 तक एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है और डाउन साइड में 732 है, 732 से लेकर 742 आज इंटरडे में रेंज देखने को मिल सकती है। जी टॉपिक्स के देना चाहेंगी आप आज नॉन एग्री कमोडिटीज में? कि गोल्ड के अंदर बाइंग करना चाहिए, गोल्ड ऊपर जा सकता है, गोल्ड के साथ साथ निकल पर नजर रखनी चाहिए, 1600 के टारगेट निकल में कभी भी देखने को मिल सकते हैं, इन दोनों कमोडिटीज के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी अपने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।